हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑन माय चूल्हा में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल कॉर्न चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बटर कॉर्न मसाला चाट है। अगर आपने मानसून में कॉर्न चाट नहीं खाया तो फिर क्या खाया, तो एक बार ज़रूर आप इसे बनाकर देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट के थ्रू ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉर्न मसाला चाट बनाना। यहाँ पर मैंने बटर कॉर्न मसाला चाट बनाने के लिए 250 ग्राम कॉर्न लिया है। तो हम पानी गर्म करेंगे पहले। जब पानी में थोड़ा सा बबल्स आने लगे तब हम इसमें इस कॉर्न को डाल देंगे, और एक उबाल आने के पहले ही हम इसे उतार लेंगे। तो पहले हम इसे थोड़ा सा चला देंगे। तो ये देखिए कॉर्न्स सब ऊपर आना शुरू हो गए हैं और इसमें एक उबाल आना स्टार्ट हो गया है। तो इस स्टेज पर हम इसे उतार लेंगे। इसे हमें सिर्फ ब्लांच करना था और कॉर्न को हम छानकर बाजू में रख लेंगे। अब दूसरी तरफ मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया, उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। जब बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा ब्लांच किया हुआ कॉर्न, और उसे हम अच्छे से बटर में मिक्स कर लेंगे। एक मिनट हमें अच्छे से बटर में इसे मिक्स करना है। मीडियम आँच रखेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम कांदा बारीक कटा हुआ। कांदे को भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज का टमाटो बारीक काट कर डाल दिया है। इसे भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च काट कर डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को हम 30 सेकंड तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो मैं यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप इसमें 1/2 टीस्पून इतना काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून इतना चिली फ्लेक्स। इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ये अब अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। कॉर्न को और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून इतना चाट मसाला। इसे भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो अब ये हमारा अच्छे से पक गया है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे। तो गैस बंद करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का जूस। तो यहाँ पर मैंने 1/2 नींबू अच्छे से इसमें स्क्वीज करके डाल दिया है। इसे भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये रेडी है हमारा मसाला कॉर्न चाट। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही जल्दी बन जाता है, सिर्फ 5 मिनट में ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट के थ्रू हमें बताइएगा। तो ये चाट ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसे और क्रंचीनेस देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लैक्स, जो कि हम दूध के साथ खाते हैं। वो भी बहुत अच्छी लगती है, इसमें कुरकुरित लगती है। तो आप इसे डालिए या मत डालिए, ये चाट बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन हाँ, अगर आप इसे डालेंगे तो आप इसका स्वाद और भी अच्छा पाएंगे, मतलब इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो लीजिए, रेडी है हमारी बटर मसाला कॉर्न चाट। क्योंकि ये बटर मसाला कॉर्न चाट है तो ऊपर मैंने थोड़ा सा बटर से इसे डेकोरेट कर दिया है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी टेस्टी रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।